फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ तमिलनाडु स्पेशल कांचीपुरम इडली। ये कांचीपुरम का बहुत फेमस इडली है, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इडली बैटर के लिए दिखा रही हूँ। इडली बैटर के लिए मैंने 3 कटोरी नॉर्मल राइस लिया, जो हम लोग रेगुलर खाते हैं। ये और ये है उसना चावल, जिसे पारबॉयल राइस भी कहा जाता है। और ये है उड़द दाल 1 कटोरी, और ये है मेथी दाना 1 स्पून। इनको मैंने धो के 5 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था, फिर ग्राइंड करके पेस्ट कर लिया, फिर रात भर के लिए खमीर उठने के लिए रख दिया है। अब नेक्स्ट डे इडली का बैटर बनके रेडी है। आप पहले से बना हुआ बैटर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें लगाने के लिए तड़का, ये काली मिर्च है, 1 चम्मच चना दाल है, जीरा है, ये सौंठ है, ये गिली अदरक है, करिया पत्ती, हींग, सूखी लाल मिर्च और कुछ काजू। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। सबसे पहले मैं सौंठ को तोड़ के इसका पाउडर बना ले रही हूँ। उसके बाद इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। बाउल में निकाल के अब मैं जीरा और काली मिर्च का भी पाउडर बना लूँगी। इसे हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा करना है। मैं हैंड ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, बट हमें इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब मैं इसको भी निकाल ली हूँ। अब इडली के बैटर में मैं डाल रही हूँ 1 स्पून सौंठ का पाउडर और नमक। ग्राइंड करते समय इडली के बैटर में मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैं डाल रही हूँ। ग्राइंड करते समय हमें नमक नहीं डालना चाहिए, अगर हम लोग इसको स्टोर करके रखेंगे तो। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन रखा है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तिल्ली तेल। अगर तिल्ली तेल या घी, ये दोनों में से कोई एक आप यूज़ करना। अब मैंने 1 स्पून तेल डाला है, ये तिल्ली तेल है। जैसे तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें काजू को फ्राई कर ले रही हूँ। काजू को फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। कुछ को मैं डालूँगी बैटर में, कुछ को मैं यूज़ करूँगी गार्निश के लिए। उसके बाद मैंने डाला चना दाल। चना दाल डाल के जैसे वो गर्म हो गया, मैंने डाला खिसा हुआ अदरक। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल के करिया पत्ती डाल रही हूँ। उसके बाद जीरा और काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली नहीं यूज़ किया, क्योंकि काली मिर्च भी थोड़ा सा तीखा रहता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं डाली हूँ हींग। हींग डाल के अब इस तड़के को मिक्स करके मैं इडली के बैटर में डाल रही हूँ। ये इडली नॉर्मल जो हमारी रेगुलर इडली रहती है, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका कलर डार्क रहता है, उतना वाइट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग काली मिर्च और जीरे का तड़का लगा रहे हैं। ये तड़का लगाने से इस इडली का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब मैंने इसमें डाला है काजू, और कुछ को मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। अब मैं इडली बनाने के लिए बर्तन रख रही हूँ। बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी रख के बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब तक कि हमारा पानी बॉईल होता है, मैं करूँगी आगे का प्रोसीजर। पानी बॉईल होने रख दिया है। ये पत्ते हैं इस इडली की स्पेशलिटी, इसे कहते हैं मंथराई लीव्स, या हिंदी में इसे कचनार के पत्ते कहते हैं, या वही पत्ते हैं जिसे हम लोग पत्रोली बनाते हैं, और ये है बादाम के पत्ते। आप ये दोनों में से कोई एक यूज़ करना। अगर ये नहीं है तो आप केले के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर के पास बादाम का पेड़ भी था और ये कचनार के पत्तों का भी था, इसलिए मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों नहीं है तो कटोरी को ग्रीस करके उसमें भी बना सकते हैं। अब मैं कुछ में कचनार के पत्ते, मंथराई लीव्स रख रही हूँ, और कुछ में बादाम के पत्ते रख रही हूँ। कांचीपुरम जो स्पेशल इडली होता है, उसको इसी पत्रोली के पत्तों में बनाया जाता है। ये बड़े से साँचे में, बाम्बू के साँचे में बनाया जाता है। वो काफ़ी बड़ा होता है। एक इडली इतना बड़ा होता है कि 10 जन का ब्रेकफास्ट इजीली हो जाता है, बट हम लोग उतना बड़ा तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं आपको छोटा साइज़ दिखा रही हूँ। मैंने कुछ कटोरी को भी ग्रीस किया, कुछ साँचों को भी ग्रीस कर दिया। मैं इसमें भी आपको बना के दिखाऊंगी। सब ग्रीस हो गया, अब मैं डालूंगी इनमें इडली का बैटर। इडली का बैटर डालते समय हमें एकदम फुल नहीं डालना है, थोड़ा सा स्पेस खाली रखना है, क्योंकि ये इडली काफ़ी फुलता है। अब मैं इसमें बैटर डालना स्टार्ट कर रही हूँ। सब में मैंने बैटर डाल दिया, मैंने पूरा फुल करके नहीं डाल दिया। अब मैंने बर्तन में एक छन्नी रखा है। छन्नी रख के अब मैं सारे कटोरियाँ इसमें रख रही हूँ। कटोरियाँ रख के मैं इसको ढक के पहले 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। एक्चुअल में ये इडली पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल इडली के कंपैरिजन में। अब मैंने सारे इडली के बर्तन रख लिए हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब मैं काजू से गार्निश कर रही हूँ। गार्निश करके ढक के मैं इसे पकने रख दे रही हूँ। पकने रख दिया है। अब 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 मिनट में इडली नॉर्मली पका नहीं है। छोटा वाला जो इडली है वो पक गया, बड़ा वाला नहीं पका, क्योंकि छोटे वाले में बैटर कम है, इसलिए ये जल्दी पक गया है, और बड़ा वाला थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इसको मैंने फिर से ढक दिया, 10 मिनट के लिए मैंने और रख दिया है। 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये बन गया। मतलब इस इडली को बनने में कम्प्लीट 20 मिनट लगा है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है। अब मैं इनको निकाल ली हूँ। निकाल के मैं जब ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। कुछ इडली मैं नॉर्मल जो हमारा इडली का रेगुलर साँचा है, उसमें बना के दिखाऊंगी। सेम वैसे ही हमें ग्रीस करना है। ग्रीस करके इडली का बैटर डालना है। बैटर डाल के हमको इडली जैसे पकाते वैसे पकाना है। ऐसे भी हम बना सकते हैं, टेस्ट वही रहता है, बट थोड़ा सा शेप डिफरेंट रहेगा।
पकने रख रही हूँ। जब तक कि यह हमारा इडली पकता है, मैं पत्ते वाले इडलियाँ आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये इडली काफ़ी अच्छे से पक गए हैं और साइज़ में थोड़े बड़े भी हो गए हैं। इनको मैंने कटोरी से निकाल लिया है। अब ये पत्ते को हमें निकाल देना, ये इजीली निकल जाता है। ये जो पत्ते हैं इसी से इडली में एक फ्लेवर आता है और वो बहुत टेस्टी रहता है। ये नहीं है तो भी इडली बहुत अच्छा बनेगा, वो भी बहुत टेस्टी रहता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा भी है, आप इसको पीस में काट के सर्व करना। अब ये इडली भी बन गया है, ये इडली भी रेडी है। ये इडली स्पेशली मद्रास में वरदराज पेरुमाला टेम्पल में एज अ प्रसाद भी बांटा जाता है। सारे इडली बन गए हैं, अब आप भी इस इडली को बनाइए, ट्राई करिए और बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।